मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट अपने बच्चों को कराइए आप, इसको DMIT भी बोलते हैं आप, मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट। उसमें आपके ना बच्चे का क्वेश्चन पता चल जाता है, उसका इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, क्रिएटिव क्वेश्चन, वो है कैसा, उसकी डिस्क प्रोफाइलिंग कराओ कि भाई वो डोमिनेंट है बच्चा, जैसे चील होता है बहुत डोमिनेंट होता है, या फिर वो इन्फ्लुएंसर है बच्चा, जैसे पीकॉक होता है ना अपने डांस के इन्फ्लुएंस से वो दूसरी वाली पीकॉक को अट्रैक्ट कर लेता है, या फिर वो थोड़ा स्टेडी है, जैसे वो था ना बगुला, बगुला बको ध्यानम, बड़ा फोकस्ड होता है उसका, बको ध्यानम चेष्टा बको ध्यानम, या वो कंप्लायंट है, जैसे उल्लू होता है आंखें बड़ी बड़ी है कंप्लायंट, हर चीज पर नजर रखने वाला, भैया कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही। थोड़ा बच्चे का ना मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट कराना चाहिए आपको, उससे उसकी लर्निंग स्टाइल का पता चलेगा कि बच्चा विजुअल है देख के सीखता है, या ऑडिटरी है सुन के सीखता है, या काइनेस्थेटिक है हाथ से छू के थोड़ा एक्टिविटी करके सीखता है। उससे उसका स्वॉट एनालिसिस निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड। मेरी स्पीड तेज है पर आप भी ध्यान से सुनिए, वीडियो बड़ा कमाल का है, उसकी स्ट्रीम सिलेक्शन का पता लग जाएगा, बच्चा आगे सिलेक्ट क्या करेगा, वो साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, करियर ऑप्शंस निकल के आ जाती है। जल्दी बच्चों का टैलेंट पता चल जाए तो आप कमाल कर सकते हैं। हमारे देश में कई बच्चों ने कमाल किया। आकृत जायसवाल 7 साल की उम्र में उसने पहली सर्जरी कर दी स्किन के ऊपर, 12 साल की उम्र में उसने अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ज्वाइन कर लिया और मास्टर डिग्री 17 साल की उम्र में कर लिया, ओपरा विनफ्री के साथ वो बिल्कुल हेडलाइंस पे आ गया।